लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक व्यक्तिगत खातों से संदिग्ध लेनदेन पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का प्रयोग ना हो सके। इसके लिए उपायुक्त हमीरपुर ने जिला के सभी बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही संदिग्ध लेनदेन और RTS की रिपोर्ट रोजाना उपायुक्त को करने के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त हमीरपुर ऋचा वर्मा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला के सभी बैंकों को व्यक्तिगत लेनदेन पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है और लाखों रुपए के जमा या निकासी को लेकर बैंकों को सारी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। इसके साथ ही पार्टी उम्मीदवार के खातों में 1 लाख से ज्यादा लेनदेन को लेकर भी शपथ पत्र के अनुसार ही जवाब देना होगा। हमीरपुर के हमीर भवन में जिला भर के बैंकों के प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें लोकसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक सभी बैंक व्यक्तिगत खातों से संबंधित लेनदेन पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया। किसी भी ऐसे व्यक्तिगत खाते में जिसमें पिछले 2 माह से 1 लाख रुपए से अधिक की जमा अथवा निकासी ना हुई हो और अचानक इस तरह का असामान्य लेनदेन हो तो इस पर कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के हर बार निर्देश रहते हैं, आज उसी निर्देशों के अंतर्गत जिला के बैंकर्स के साथ एक मीटिंग की गई जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए कि जैसा कि कमीशन द्वारा निर्धारित किया गया